भेटकी चिंगड़ी पॉपकॉर्न 4 पीस ड्रम चिकन फ्राई लंका पोस्तो मुर्गी एंड ये है सबका फेवरेट। Hello everyone, welcome back to yet another exciting episode of my YouTube channel The Bong Wayfarer. So today's vlog is gonna be interesting one because me and Sanjay right now here at Bidhan Nagar to cover the entire Ahare Bangla Bengali Food Festival 2019. We just can't wait to taste all the items. So what to wait for? चलो फिर heat तो थोड़ा बहुत है क्योंकि आज weekend है, also the second last day. So without wasting time, let's get inside. तो देखते हैं पहले stall में क्या मिलता है. Okay. आमीशे में नाम तो अच्छा दिया है, क्या क्या है? आप लोग रेट देख सकते हो, खीरेर पायस से स्टार्ट करके पार्टी सप्ताह से स्टार्ट करके सब कुछ है। ये क्या है? झाड़ग्राम में शाल पाताई पूरा मटन। नाम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बट देखते हैं कि इसका खाना का क्वालिटी कैसा रहेगा। फ्रेश ऑयस्टर, स्मोक्ड ऑक्टोपस, रोस्टेड शार्क, मैंने कभी क्रैब नाम ही नहीं सुना, कैमल मिल्क, क्रैब मिल्क, एमू पाखिर डीम। एमू का अंडे का नाम सुने हो तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हो। और एमू वाले शॉप को आया है सब कुछ मिलता है लाइक फ्रेश ऑयस्टर, स्मोक्ड ऑक्टोपस। आई रियली डोंट नो व्हाट इज स्मोक्ड ऑक्टोपस इज, रोस्टेड शार्क। और ये बाईपास ढाबा पे आ गए जो काफ़ी जाना पहचाना नाम है, हम लोग बहुत बार खा चुके हैं इसका आउटलेट पे। मालाबार पराठा, मालाबार चिकन, प्राइस इज स्लाइटली हाई 225। उसी के लिए शायद यहाँ पे भीड़ कम है और उधर भीड़ ज़्यादा है। ये क्या है? चिकन चट्टी नट, साउथ इंडियन स्टाइल चिकन चट्टी नट। ओके एक चीज़ मेरे ध्यान पे आ गया, मसाला रैबिट, अभी नाम सुने हो, 250 का है। दुकान का नाम है माउंटेन रिट्रीट, तो आ रहे हो तो ये मसाला रैबिट ज़रूर टेस्ट करना। हम लोगों ने अभी टेस्ट नहीं किया बट लोग बोल रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा था, 2-3 लोग टेस्ट किया, मैंने पूछा। तो ये दिखा देता हूँ आपको मसाला रैबिट, दिखने में तो दूर से चिकन की तरह लग रहा है, पता नहीं खाने के बाद कैसा लगेगा। सो डिसाइडेड व्हाट विल इट? फर्स्ट लेट्स सी रशियन फ्रॉम रशिया विथ लव। तो अभी हम लोग रशिया के काउंटर के सामने खड़े हैं। यहाँ का बहुत सारा नया नया आइटम मेरे को दिख रहा है, बहुत सारा आइटम का नाम भी पता नहीं है। क्या है? चिकन सॉसेज सॉसेज। तो रशियन आउटलेट पे एक बार मेनू को देख लेते हैं क्या क्या है, क्या क्या मिल रहा है। स्टार्टेड विद नाम तो बहुत ही उत्पटांग है, वेज सिलनाट्रो, रशियन स्टाइल चिकन स्यूअर्स, प्राइस इज रिजनेबल आई मस्ट से। बहुत सारे अच्छे थे डेजर्ट आइटम मेरे को दिखा, डेजर्ट और जो केक पेस्ट्रीज होता है, कन्फेक्शनरी आइटम बहुत अच्छा अच्छा है। आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये कन्फेक्शनरी आइटम ज़रूर टेस्ट करना। नेक्स्ट स्टॉल इज हिंदुस्तान कजिन, हांसेड डिमेड डेवल, गुड़ ग्लेस टंगड़ी कबाब, सालसा एंड फ्रेंच फ्राइज। या आई विल शो दैट। ग्रिल्ड फिश विथ पाइनएप्पल। ठीक है, कड़कनाथ चीज कबाब। एक बार घूमने के बाद माई फर्स्ट फीलिंग इज लाइक लोगों में क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा है, मतलब लोग जितना खा नहीं रहा है अंदर वहाँ पे लाइन लगा के देख रहे हैं कि क्या क्या मिल रहा है। बहुत सारा नया नया नाम, डिशेस का नाम मेरे को सुनने को आया, फर्स्ट टाइम मैंने सुना। संजय ने भी बहुत सारा नाम पहले नहीं सुना था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड एक बार घूम लिया, अभी थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा पहले हम लोग टेस्ट करेंगे, नहीं तो ऐसे घूमते ही रह जाएगा। सो वी आर डन विद हॉल ए, नाउ वी हैव एंटर्ड इन हॉल बी, स्टार्टिंग विद बोनोलाता होटल ऑन द लेफ्ट साइड। उसके बाद क्या है? न्यू हॉराइजन न्यू हॉराइजन एंटरप्राइजेस स्पाइसेस एंड सॉसेस। यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है, आप लोग आराम से बैठ के पूरा खाना का मजा ले सकते हो। तो संजय ने एक इंटरेस्टिंग बात बोला कि बोला पहले मत खाओ, पहले पूरा हॉल है, ऑल दी हॉल से तीनों घूम लो, देख लो कौन सा खाना पहले खाना है, कौन सा खाना लास्ट में खाना है, नहीं तो बाद में जाके पछताओगे कि ये खाना मिस हो गया, बार बार थोड़ा ही हम लोग आएंगे। तो वही हम लोग अभी कर रहे हैं। WBCADC के सामने जो भीड़ देख रहे हो, ये मेनली बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत अच्छा मोमोज और मशरूम मिल रहा है, उसके लिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो बोलते बोलते आ गए हम लोग मित्रो कैफ़े में, जो काफ़ी जाना पहचाना नाम है एट कोलकाता। फिश डायमंड फ्राई, चिकन कटलेट, फिश पकौड़ा, मटन कटलेट, क्रैब चिली, ऐसा बहुत सारा आइटम है। और ओके यहाँ पे भी ऑक्टोपस है, आप देख सकते हो, चिल्ली गार्लिक ऑक्टोपस ओनली ₹230। डाब चिंगड़ी ना सुंदर लग रहा है दिखने में। तो यहाँ पे लिखा है एक तो दाड़ाते ही हमें क्रैब चिली, मतलब क्रैब चिली के लिए बहुत क्रेज है, प्राइस है ₹220। स्टार्टिंग विथ फिश फ्राई 45, फिश फिंगर 10, चिकन चॉप, मटन चॉप, मशरूम, मटन तंदूर, चिकन तंदूर, मोमो, मशरूम मोमो एंड पॉर्क मोमो, मटन मोमो। अच्छा मोमो का बहुत सारा आइटम है एंड थाली भी मिल रहा है। थाली इज़ लाइक 399, 299, 250, कॉम्बो पैक भी है। उसी के लिए यहाँ पे भीड़ थोड़ा बहुत ज़्यादा है और लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं और पैक करके भी आप घर के लिए लेके जा सकते हो। और उसके ठीक बगल में आ गए अलीबाबा। हम लोग तो ऑफिस में अलीबाबा का बहुत बार बिरयानी फिरनी खा चुके हैं, तो यहाँ पे पूछने का कोई मतलब नहीं है। बिग बॉस रेस्टोरेंट, नेम साउंड फनी, टैंगरा, ओके ये चाइना टाउन से आया है। क्या कॉम्बो खा सकते हैं? कॉम्बो खाने में पूरा पेट भर जाएगा। कॉम्बो में क्या है? कॉम्बो 1 इज लाइक मंचूरियन, चिकन फ्राइड राइस 260, चिकन फ्राइड राइस, चिली चिकन सेम प्राइस, हक्का नूडल्स, ओके चाउमीन, चाउमीन 260, प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है, रिजनेबल है। तो यहाँ पे मिल रहा है सैलमॉन निगिरी, प्राइस इज 300। सैलमॉन का बहुत सारा आइटम आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे एंड संजय इज ऑल्सो कैप्चरिंग दोज फिश आइटम्स। देखिए सैलमॉन मच कौन सा है, ये सैलमॉन है आपके, तो दिस इज सैलमॉन। स्पाइसी मशरूम रोल, सैलमॉन रोल, चिकन टेरियाकी आप लोगों के सामने सजा के रखे है, कैसे होता है वो दिखने के लिए एक बार देख लो, अगर पसंद आए तो ज़रूर टेस्ट करो। तो आप लोगों को अगर सैलमन फिश का आइटम यहाँ पे टेस्ट करना है तो आजीसाई जापानीज रेस्टोरेंट का नाम ज़रूर याद रखना, इनसाइड हॉल बी द लास्ट काउंटर, यहाँ पे आके टेस्ट ज़रूर करना। तो ये जापानीज रेस्टोरेंट के ठीक बगल में आस्था भोजन पे हम लोगों को दिखा ये बैम्बू चिकन बिरयानी। हम लोग बैम्बू चिकन खाए थे अराकू वैली में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वही होगा सेम टेस्ट। तो वो है बैम्बू चिकन, उसके अंदर स्टफ चिकन करके उसको फ्राई करके दे रहे हैं लोगों को। 180 काफ़ी सस्ता है। हम लोग जब लास्ट टाइम अराकू वैली में गए थे वहाँ पे ₹250 लिया था और बहुत ही टेस्टी होता है, स्पाइसी होता है। ठीक है, तो अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो ये बैम्बू चिकन जरूर टेस्ट करना। डिपेंड्स लाइक हाउ यू वांट टू कुक इट, लाइक इफ यू कुक समथिंग इन मिट्टी का बोल ना, देन लाइक उसका एक अलग टेस्ट आता है, तो दैट्स लाइक दैट ऑन बैम्बू या फिर डाब कुछ भी डाल दो। सो अभी डेस्टिनेशन कहाँ पे? हॉल 3, हॉल C, राइट। थोड़ा याद रखना मुश्किल है। आई थिंक संजय इज टेकिंग ए नोट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सब याद है पॉकेट में पूरा मेनू कार्ड से भर्ती हो गया, एकदम मेनू कार्ड दे देकर पूरा भर गया है पॉकेट। सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हॉल नंबर C, लेट्स गो इनसाइड एंड चेक आउट। पूरा बंगाली में लिखा है, आप देख सकते हो, चेटे पुटे खान 100 टाका। अच्छा सब कुछ जो मिलेगा ₹100, इट्स लाइक क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्या क्या मिलेगा 100 में? चिकन रसा, हाँ, कोकोनट चिकन, मैथली चिकन। मेनू देख लो, स्टार्टिंग विथ फिश चॉप ₹40, देन अप टू बसंती पुलाव एंड भेटकी पातूरी, लास्ट में स्वीट भी है, लास्ट में ऐड किया है, ₹250 का मिल रहा है। नाम याद रखना, अल्लादी रेस्टोरेंट। स्वीट्स आइटम से स्टार्ट करके वहाँ पे इलिश बिरयानी सब कुछ है। मैंगो बड़ी पूरा कलर देख के ही पता चल रहा है। नॉलेन गुडेर आइसक्रीम तो आप लोगों ने अभी देखा, बहुत सारा यहाँ पे पीठे और पाटीसापटा, मतलब बेसिकली डेजर्ट आइटम यहाँ पे मिल रहा है। चॉकलेट पाटीसापटा, मैंगो पाटीसापटा, पाइनएप्पल पाटीसापटा, मतलब मैंने पूरा ज़िंदगी में इतना सारे पाटीसापटा का वैरायटी ऑफ फ्लेवर होता है ये मुझे आइडिया नहीं था। यहाँ पे नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता। तो आफ्टर पीठाभिलाषी वी आर हियर एट आफ्रा दिल्ली। यहाँ पे क्या मिल रहा है देखते हैं। सोडा लगून, ओके, बेसिकली जूस आइटम एंड ऑल्सो रैप, सैंडविच, वेजिटेबल पब, चिकन पब भी मिल रहा है। हर एक तरह का सोडा वाटर जूस यहाँ पे मिल रहा है। इटे क्या दादा? चिकन स्टॉगनॉफ। चिकन स्टॉगनॉफ। ऐसे देखो। अगर फूड ब्लॉग में आप लोगों को मैं ये नहीं दिखाता हूँ तो बहुत नाइंसाफी होगा। देखिए कहाँ से क्या पूरा बना दिया है एकदम। भेट की चिंगड़ी पॉपकॉर्न 4 पीस, ड्रम चिकन फ्राई, लंका पोस्तो मुर्गी, एंड ये है सबका फेवरेट लालीपॉप एक पीस, बेटी चिंगड़ी पॉपकॉर्न 2 पीस, लंका पोस्तो मुर्गी 2 पीस, टोटल टाइप पूरा का कॉम्बो 320 320 में सब कुछ आएगा। हाँ 320। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना 320 में ये वो ये सब आइटम एक साथ आ रहे हैं, मतलब इट्स लाइक ए नेक्स्ट लेवल ऑफ बफे आइटम। स्मोक टर्की विथ बॉइल्ड वेजिटेबल। टर्की मतलब वो बुनो बुनो मुर्गी जेटा के बोली तो बांग्ला है। एक है मसाला रैबिट। मसाला रैबिट इसका मतलब बहुत हार्ड होता है क्या? चिकन की तरह सॉफ्ट होएगा? हाँ, रैबिट का थोड़ा हार्ड होता है ना, कभी खाया नहीं ना, उसे पहली बार देख रहा हूँ। तो हर जगह पे मसाला रैबिट का बहुत सारा डिशेस यहाँ पे मिल रहा है और लोग खा भी रहे हैं। मैंने कभी टेस्ट नहीं किया तो बोल नहीं सकता, लोग बोल तो रहे हैं बहुत अच्छा है, एक बार तो जरूर टेस्ट करना चाहिए। ललित ग्रेट ईस्टर्न कलकत्ता ने भी यहाँ पे स्टॉल दिया है। यहाँ पे क्या क्या मिलता है देखते हैं। वेजिटेबल पब, चिकन पब, क्या है मफिन है राइट, कुछ मिला? मैंने पापदा दूतो पापदा माछ 100 पाव पापदा छाल भी जो लिखी इट्स एडेड एट द वेरी लास्ट मोमेंट। पापदा 2 पीस 100 रुपीज़, जो आई थिंक इट्स क्वाइट रीजनेबल एंड चीप। पापदा कितना करके 100 रुपये 2 पीस, 100 में 2 मिल रहा है, 100 में 2 आ रहा है, जो आई थिंक क्वाइट रीजनेबल। थोड़ा बहुत गलत हो गया हम लोग कि लाइक यहाँ पे 3 हॉल नहीं है, यहाँ पे हॉल डी भी दिख रहा है। लास्ट टाइम संजय बोल रहा था हॉल A, B, C 3 था, डी और 2 है राइट, मतलब और 2 हॉल है। जितना ज़्यादा हॉल होगा तो मेरे लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये बंदा देखते ही रह जाएगा क्या क्या खाना है और कुछ खा नहीं पाएगा। उधर है हॉल डी और सीधा लास्ट में है हॉल E। ये आ गया हॉल डी के अंदर और यहाँ पे टू माई अटर सरप्राइज भीड़ बहुत ही कम है, पता नहीं क्यों। मतलब लोगों को पता है कि नहीं यहाँ पे और 2 हॉल भी है, क्योंकि लास्ट ईयर बोल रहे हैं ये लोग 3 हॉल था, हॉल A, B, C। दिस टाइम दे हैव एडेड 2 मोर। पाव भाजी मेरे को दिख रहा है, पाव भाजी, कॉम्बो राइस, पिज्ज़ा, पापड़ी चाट, भेलपुरी, बाग आता तो ये वाला मसाला मिनी डोसा, इडली, गुप्ता ब्रदर्स, आलू दम राइट, आलू दम, पनीर, नान कॉम्बो, ढोकला। तो संजय को अभी यहाँ पे दवेली और बड़ा पाव दिखा। भाई मैं बहुत बार मुंबई में जब था बहुत बार खा चुका हूँ, ठीक है, एंड दैट्स अ वेरी गुड आइटम, मतलब ब्रेकफास्ट आइटम है। हम लोग को यहाँ पे द चटनीस का भी आउटलेट दिख गया। इसको मोलगा पूरी, मसाला डोसा, ये लोग का इडली बहुत खास रहता है, मसाला इडली। सो आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड दिस एंड दैट ऑल्सो व्हाइल आई वॉज इन साउथ इंडिया, मेनली इन हैदराबाद। संजय ने भी 1-2 टेस्ट कर चुका है राइट। हम लोगों ने अभी डिसाइड किया पहले मिठाई से स्टार्ट करते हैं, ये मिठाई खत्म हो जाएगा उसके लिए हम लोगों ने एक उठा लिया। कैसा है वो मिल्क टेस्ट होता है ना, तो लग रहा है मैक्सिमम रेंज पे टेस्ट करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके लो, सब कुछ टेस्ट करो, वो अच्छा रहेगा। थैंक गॉड दिस इज द फाइनल हॉल, हॉल E। बारांदा एंड फिरिंगी, लेट्स सी क्या क्या मिल रहा है। मटन बिरयानी, basanti pulao, demet devil, धनिया फ्राई, स्टीम राइस। क्या नाम दिया है, ये जो सोच के ये लोग नाम देते हैं ना, तो नेक्स्ट लेवल होता है। नाम देख, कशा मुर्गीर मुहिमा। क्यूआर कोड स्कैन करके आप पे कर सकते हो। नहीं चल रहा है जियो, और इधर इंटरनेट नहीं चल रहा है उसका जियो नहीं चल रहा है। नेक्स्ट स्टॉप इज लाइक अपोनजोन कालीघाट। कालीघाट का है ये अपोनजोन। स्टार्टिंग विथ प्रॉन, चिकन सारा आइटम की इलिस मार्च। स्पेशल आइटम क्या क्या मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पे? अभी स्पेशल मिल रहा है ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फिशरी डिपार्टमेंट। अच्छा। और स्पेशल है क्रैब मसाला, डाब चिंगड़ी। अच्छा, वो बिरयानी पोलाव के साथ खा सकते हैं। राइट। थैंक यू। लास्ट में पौष पार्वण है जहाँ पे आप लोगों को हर तरह का फिश आइटम मिल जाएगा। ये है पापदा, इटे की तरह कोई। तो हम लोग पहले क्या खा रहे हैं? नहीं, फिर भी देखता और बट ये खत्म होने वाला है, उसीलिए इसको तो क्या ले रहे हो अभी? पोम्पिनो कबाब। और ये कतला कबाब। देखो कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस। ठीक है, पूरा पेट भर जाएगा लग रहा है ये खाने के बाद। थैंक गॉड कि हाँ कुछ देर वाला दूध था, कुछ अच्छा वाला इसने फर्स्ट चूज किया है। पहले मैं मिठाई खा लिया क्योंकि मिठाई एक पीस, 2 ही पीस पड़ा था, तो लाइक वो खत्म हो जाता तो टेस्ट करना था। दैट वाज ओके। लाइक अ प्रॉपर फूड दैट वी आर हैविंग राइट। अभी हम लोगों ने फिश का आइटम टेस्ट किया, तो एक प्लान है कि लाइक चिकन का आइटम टेस्ट करेंगे। फिश और नहीं, स्टार्टर हो गया। और उधर का ये 5 हॉल छोड़ के बाहर पे भी लाइन देखो कितना है खाने का। यहाँ से बहुत सारा स्टॉल से मिठाई, कॉफ़ी, मतलब लिटरली स्पीकिंग एक दिन पे ये पूरा ख़त्म करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हॉल डी के ठीक ऑपोजिट में ये कैफे स्टोर है फ्रॉम जापान, कुशी यागे, कुशी कात्सू। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस? कुशी यागे और कुशी कात्सू। ओके, दिस इज द कुशी यागे। आती देखना बोलता है चौकने जागो। ये किसका सॉस है? ये कुशी यागे कुशी कात्सू का सॉस है। संजय बोलो कैसा है? तुम्हारा एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है इतना अच्छा नहीं। कुशी कात्सू क्या होता है तो मैंने देखा, इट्स बेसिकली डीप्ड इनटू ए पॉट ऑफ थिनर सॉस बिफोर ईटिंग। तो वही सॉस अंदर है। खाना अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, उसके क्या वो डिपेंड्स। बट उसके लिए अंदर रिग्रेट मत रखो। पहली बार आया हूँ, थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ, मेरा पहली बार है, ये लोग बहुत बार आ चुके हैं। नया आइटम है, कुछ पता नहीं कैसा होता है। इट्स लाइक ए काइंड ऑफ गिविंग फूड रिव्यू। ठीक है, अच्छा है। उसको इतना अच्छा नहीं लगा, मेरे को अच्छा लगा। सॉस का स्मेल थोड़ा अलग है। इट्स लाइक चिकन कटलेट डिप्ड इन अ पिक्यूलियर सॉस। सो इट्स टाइम टू हैव सम मसाला टी। चीयर्स। बहुत गर्म है। यहाँ पे 2-3 दुकान है जहाँ पे टी और कॉफ़ी बहुत ही ठीक ठाक मिल रहा है, मतलब रिजनेबल प्राइस से मिल रहा है। उधर तो 40-50 करके दाम बोल रहा है। इधर आ सकते हो द ओरिएंट, देन द एसेंस, सिटी टी। यहाँ पे 20-25 में अच्छा खासा मसाला टी आप लोगों को मिलेगा। तो फूड फेस्टिवल में रसगुल्ला का पिक्चर नहीं दिखाओ तो थोड़ा अधूरा रह जाएगा। आप देख लो कितने तरह का रसगुल्ला है, ऑरेंज, येलो, गुलाब जामुन, स्मेलिंग गुड, ये मैंगो। व्हाट इज लंका रसगुल्ला? झाल है ना कि बोल चुको। খাবার দুটো আছে 100 টাকা দাদা। এটা দিন তো, এটা তিনটা তিনটা নিয়ে যাবে। একটা কেটে বল टेस्ट। ऑपोजिट ऑफ हॉल डी एकदम पीछे की तरफ आप लोगों को जो भी स्टॉल दिख रहा है ये सब मिठाई का स्टॉल है। स्टार्टिंग फ्रॉम रसगुल्ला, मिष्टी दही से स्टार्ट करके पीठे, पुली, पाटीसापटा, एवरीथिंग इज अवेलेबल। चॉकलेट पाटीसापटा, नारकेल पाटीसापटा, गोकुल पीठे, अरे ये क्या? रसमलाई। तो रसमलाई वेराइटीज। ये क्या बन रहा है भैया? हॉट नूडल गोल्ड वनीला विद हॉट नूडल गोल्ड। बोलून बैग नहीं दाना है, बैग रसगुल्ला है, गरम गरम बैग रसगुल्ला है, सीधा बांगा है, नहीं दाना है। अभी हम लोग आ गए स्वातीज फ्लेवर ऑफ रसगुल्ला एंड फ्रैंकली आस्किंग ऑल ऑफ यू, आप लोगों को कितने तरह का रसगुल्ला पता है? मतलब नॉर्मल जो सफेद वाला होता है, व्हाइट मैंगो रसगुल्ला, डिफरेंट कलर्स का होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कितना और भी कलर्स का अवेलेबल रसगुल्ला। लेट्स चेक इट आउट। दिस केसर इलायची रसगुल्ला, ऑरेंज नाता, दिस इज ऑर्गेनिक रोज रसगुल्ला, कुछ का रसगुल्ला, ओके, अल्फांसो रसगुल्ला। मेनू कार्ड पे एक बार देख लीजिए कितना तरह का रसगुल्ला यहाँ पे अवेलेबल है। जिंजर, रोज पेटल, पुदीना, बहुत सारा नया नया नाम है। मिठाई के अंदर पूरा एकदम वो चिली डाल दिया है। ये है चॉकलेट रसगुल्ला, पाइनएप्पल। आज मेरे को पता चला कि रसगुल्ला का इतना सारा आइटम भी हो सकता है। आप देख लीजिए कितना सारा रसगुल्ला का नाम विद पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये फूड फेस्टिवल पे आ रहे हो तो ये स्वातीज फ्लेवर और रसगुल्ला पे आप लोग ज़रूर आना और यहाँ का हर एक तरह का रसगुल्ला थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट करना, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिग्रेट। Whenever I am thinking that this is the last shop, and every time, each and every time, this festival is showing me that बेटा पिक्चर अभी बाकी है और भी दुकानें। और देखो ये अदर साइड पे हम लोग आ गए जहाँ पे और भी कबाब, फिश, सुपल बांग्ला, इसका आउटलेट है। देखो सब्जी भी मिल रहा है यहाँ पे। और क्या क्या देखना बाकी रहेगा ये मेला पे मेरे को बोलो। बहुत देर से हम लोग लिटरली वेट कर रहे थे कि कब हम लोग मेन कोर्स की तरफ जाएंगे, तो फाइनली द टाइम हैज अराइव। कैसा है बोलो? चिकन कौसा ना है, एक नंबर। इट्स लाइक मैथिली चिकन। करी पत्ता अंदर बहुत सारा करी पत्ता दिया है, स्पाइसी गुड, अच्छा है। इट्स लाइक क्वाइट सिमिलर टू आंध्रा चिकन। आई वाज राइट। 100 रुपीज़ में और क्या चाहिए? 2 पीस चिकन गोभी लेग पीस एंड उसके साथ ये पुलाव और ये छोटा सा रसगुल्ला। तो व्हाट आई फील, हम लोगों ने एक जगह पे थोड़ा बहुत गलती कर दिया। पहले जो हम लोगों ने जो बड़ा सा पॉम्फ्रेट फ्राई खाया ना, उसमें थोड़ा बहुत पेट भर गया। तो 2 लोगों के लिए इट्स लाइक टू मच, राइट। अभी ये खाने में थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है, बट आई एम एश्योरिंग यू दैट हम 2 भुक्कर ये पक्का ख़त्म करेंगे। उसके बाद सीधा मिठाई की तरफ जाएगा हम लोग। एज यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 9 एंड अभी बहुत सारा दुकान बंद हो रहा है। ये मिठाई के दुकान पे लाइन आपको हर टाइम दिखेगा। मुझे लगता है ये टाइम तो एक्सटेंड होगा 9:30 तक, क्योंकि आज वीकेंड है। एक चीज़ अच्छा है, ये लोग ड्रिंकिंग वाटर का बहुत अच्छे सा इंतजाम किया है। वहाँ पे आप लोग को ड्रिंकिंग वाटर का पूरा बकेट मिलेगा, जितना हो सके पानी पियो, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉज एग्रींग विथ संजय, लाइक यहाँ पे आ रहे हो तो स्ट्रेटेजी बना के आओ। ऐसा नहीं है कि हर दुकान पे जाके सब कुछ टेस्ट करना है। सब कुछ टेस्ट करने जाओगे तो लगेगा कि तुम कर भी नहीं पाओगे और बहुत कुछ छूट जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेटेजी बना लो कि पहले मेरे को स्टार्टर से स्टार्ट करना है, लाइक फिश, चिकन फ्राई और एनीथिंग। देन यू विल स्विच टू लाइक मेन कोर्स, देन लास्ट में डेजर्ट आइटम। ये कौन सा है? आम वाला, नींबू वाला है। नींबू वाला, अच्छा। I'll try पाटी शाप्टा, एकदम गर्मा गर्म, बहुत ही सॉफ्ट है, सुपर यम्मी डिलीशियस। गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है, ठंडा हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। 1 थिंग आई फॉरगॉट दैट इज बेक्ड रसगुल्ला। तो जब देखा था, कहाँ पे देखा था वो याद नहीं आ रहा। नॉर्मल रसगुल्ला तो हम लोग बहुत बार खा चुके हैं, बेक्ड रसगुल्ला एक बार ट्राई करके मैं आप लोगों को बोलता हूँ। बट पहले देखते हैं कहाँ पे वो मिलेगा। बहुत सारा दुकान अभी बंद हो रहा है। अरे बेक रसगुल्ला मिलेगा? ये मिलेगा, गरम है ना? हाँ गरम है। 1-2 मिनट खाएगा। एक्चुअली बेक रसगुल्ला जो होता है, हम लोग रसगुल्ला जो बनाते हैं, रसगुल्ला उसके बाद में हम लोग दूध को एक जगह बॉईल करके फिर एक जगह बेक किया जाता है उसको। अच्छा। रसगुल्ला और दूध का जो जैसे रबड़ी होता है ना, हाँ, रबड़ी का सॉस से मलाई से उसको बेक किया जाता है। तो ये आ गया बेक रसगुल्ला। टू गुड। लाइफ में कभी इतना अच्छा रसगुल्ला में नहीं खाया। रसगुल्ला ना, रसोगुल्ला। रसोगुल्ला यस, बहुत ही अच्छा है और गर्म है, मतलब एकदम सॉफ्ट स्पॉन्ज जैसा है। यू शुड ट्राई वंस। तो लाइक आई सेड, एक से मेरा पेट नहीं भरा, मैं एक दूसरा लेके आ गया और इस बार बोला कि थोड़ा ज़्यादा गर्म करो क्योंकि जितना ज़्यादा गर्म होगा वो ज़्यादा स्पॉन्जी रहेगा। बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, संभल के। तो आप बोलिए और क्या स्पेशल है आपको दुकान पे? गुड़ सुप्ले है। ये क्या है बेसिकली? गुड़ सुप्ले। कैसे बनता है ये, मतलब क्या क्या आइटम है इसमें अंदर? क्रीम है, खीर है। प्राइस क्या है इसका? 50 रुपया। बहुत अच्छा। और ये क्या है? ये छनार मालपुआ है। छनार मालपुआ, ये तो मिहिदाना है। ये मिहिदाना है, डायबिटीज मिहिदाना है, बहुत अच्छा है। शुगर फ्री है क्या? शुगर फ्री मिहिदाना है। थैंक यू, मिलते हैं। जाने से पहले मैं आप लोगों को जो दूसरा साइड बाकी रह गया था वो दिखा देता हूँ। फर्स्ट स्टॉल है दिल्ली चिकन और देखो अभी भी कबाब, फिश, बहुत सारा आइटम यहाँ का आप लोगों को दिखेगा। हम लोग को स्पेशल सिग्नेचर है ये हंडी, ये मटका देखें, ये मटका बिरयानी। हाँ, दिल्ली चिकन मटका बिरयानी, ठीक है। और एक बम्बू बिरयानी होता है। बम्बू तो जो आंध्रा का जो स्पेशल है, बम्बू चिकन। हाँ, आंध्रा है, नॉर्थ ईस्ट में भी ज़्यादा होता है। उड़ीसा का स्पेशल है ये बम्बू। ये बम्बू के अंदर हम लोग को दम के बनता है। दिखाओ अंदर एक बार। अंदर अभी एक्चुअली ये अच्छा अभी कुछ नहीं। अच्छा फॉलो है कुछ तो उसमें राइस, चिकन, जो मसाला अभी एक बिरयानी होगा, वाटर, जो मसाला मसाला डाल के उसके बाद जो रेसिपी लगा। ओके थैंक यू। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना फ्रॉम दिल्ली चिकन दैट कैसे वो बम्बू चिकन वो लोग कैसे बनाते हैं और यहाँ का क्या क्या फेमस है, लाइक तितिर बिरयानी और मटका बिरयानी, वो सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। तो इट्स अबाउट टू गेट क्लोज्ड, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 9:05। तो बोला वो कि कल आओ, आप लोगों को ज़रूर खिलाओगा। तो फनी थिंग इज, जिसके सामने ये गोप्रो या कोई भी कैमरा सेटअप ऊपर करूँ तो वो समझ जाता है कि आप लोग यूट्यूब से हो, तो बोल रहे कि इफ यू आर फॉर यूट्यूब देन आई विल गिव प्रॉपर इंटरव्यू। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, दे विल डेफिनेटली इंटरेक्ट विथ यू एंड दे विल डेफिनेटली गिव आंसर्स टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। पर कभी ये लोगों को मत पूछो कि इसका इंग्रेडिएंट और कैसे बनाते हो, दैट्स अ सीक्रेट थिंग। दे विल नेवर डिस्क्लोज हाउ द रेसिपीज आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। तो वो पूछने के भी कोई फायदा नहीं है, पूछ सकते हो बट आंसर वही रहेगा कि मैं कैमरा के सामने नहीं बोलूँगा। तो वो चीज़ आपको दिमाग पर रखना चाहिए। सो दिल्ली चिकन के बाद पीसीज रेस्टोरेंट। भैया अभी क्या क्या अवेलेबल है? अभी सर देखिए हमारे पास अवेलेबल आपका थोड़ा सा फिश है, ओके ठीक है, ऑक्टोपस है, स्क्विड है, चिकन है, क्रैब, राइस एंड नूडल्स। दैट इज ग्रीन राइस, ग्रीन मलेशियन राइस सी फूड। और क्रैब ये है, क्रैब आपका क्रैब ये आएगा, ऑक्टोपस। ओके कबीरा जी आइटम, लूची, चिकन कबाब, ये फिश फ्राई है। अच्छा, ये आपका भेटकी मांस का पार्टी शेफ्ट है। दिस इज कबीरा जी, दिस कबीरा जी, दैट्स सिग्नेचर है। प्लेट याद रखो। थैंक यू। सो अभी हम लोग आए हैं माँ शारदा गोष्ठी आउटलेट। तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे राइस को क्या करते हैं, वो बेचते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। राइस को पेस्टते हैं, उसके बाद कैसे ये लोग नारियल तोड़ रहे हैं वहाँ पे, उसके बाद ये पीठे, पाटीशप्टा, ये सब बनाए गए। डन फॉर द डे। एनीथिंग यू वांट मोर? आल्सो आई हैव प्लान फॉर नेक्स्ट डे आल्सो। ओके, बोथ मी एंड संजय वाज राइट कि ये लोग बोलने के लिए बोलते हैं कि 9 बजे तक खुला है, उसके बाद आप देखो अभी ऑलमोस्ट 9:35 अभी तक खुला है। बहुत सारा दुकान अभी भी मतलब क्लोज नहीं हुआ है, 10:15 तक खुला है। हाँ, लाइक इट्स अ वीकेंड और कल लास्ट डे है जैसा आई मेंशन, तो भीड़ तो रहेगा। फॉर मी हैंड्स डाउन द एक्सपीरियंस वाज ऑन नेक्स्ट लेवल, थैंक्स टू संजय कि हाँ मिल गया कोई आने के लिए। आज के लिए ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस हैव रियली एंजॉयड दिस एंटायर फूड ब्लॉग and if you are new to the channel then do subscribe my channel The Bong Wayfarer to get notified about our upcoming food and other travel vlogs. With that said, goodbye, take care, see you soon. Chalo.